चॉकलेट थोड़ा सा नाराज होते हैं, हमें फॉलो कर लेना ऐसे एडवेंचर्स करने के लिए। हम 6 महीने में एक दो टूर करते रहते हैं कहीं से, हंसते बहुत है, पता नहीं क्या बात है। और आपको कैसा लगता है हमारा ब्लॉग ट्रिप? हाँ जी, वैसे हम साल को एक महीना गिनते हैं वही बात है ना वो हमारा छमाई में आता है ना हाँ जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज हम पहुंच चुके हैं खजियार, जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह है डलहौजी में, डलहौजी से 12 किलोमीटर आगे। तो यहाँ पे हम आज अपना एडवेंचर करेंगे और यहाँ पे हम हॉर्स राइडिंग, पैराग्लाइडिंग और अपनी फ़ोटोज़ खिंचवा सकते हैं। यहाँ पे प्रोफेशनल कैमरा मैन होते हैं, हम उनसे अपनी फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करवा सकते हैं। और यहाँ पे इतना खूबसूरत व्यू आ रहा है, तो और यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्टर्स विज़िट कर रहे हैं और अपना एंजॉय कर रहे हैं हॉलीडेज़। जो ये खजियार जगह है वो डलहौजी से 12 किलोमीटर आगे है चंबा की तरफ, और आप यहाँ पे आके अपना एंजॉय कर सकते हैं, हॉलीडेज़ एंजॉय कर सकते हैं। और सुबह हम यहाँ पे 9 बजे पहुँच गए थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत भीड़ हो जाती है बाद में 12 बजे के बाद, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाती है, रश हो जाता है, क्योंकि लोग अपनी गाड़ी सड़क के ऊपर ही पार्क कर देते हैं, तो उसकी वजह से। और यहाँ पे बच्चे झूलों के साथ अपना एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे हमें ये बलैरो कैंपर भी मिल जाती है, जिसके पीछे खड़कर हम अपना एडवेंचर और एंजॉय कर सकते हैं। और अब हम यहाँ से निकलते हैं और डलहौजी की तरफ चलते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारी स्टे है S1 होटल में, तो यहाँ पर बहुत ही भारी भीड़ हो चुकी है। अब हम पहुँच चुके हैं डलहौजी चर्च के सामने, और अब हम आपको दिखाते हैं चर्च, डलहौजी में चर्च। और गाइस, यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पे डलहौजी से पंचपुला है, वहाँ पर वाटरफॉल है और घूमने के लिए है। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो वहाँ पर भी ज़रूर जाएं। और अब हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे चर्च डलहौजी में, और इसका नाम है SG जॉन्स चर्च, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ESGD। ये बनी हुई है 1863 में। इस जगह पे हम अपनी कैंडल लगा सकते हैं और हम अपनी विश मांग सकते हैं। वहाँ पे एंट्री पे लिखा हुआ था कि 20 रुपीज़ पर कैंडल। और अब हम आपको दिखाएंगे बाज़ार, यहाँ डलहौजी का बाज़ार, जो कि बहुत ही मशहूर है माल रोड के नाम पे। गाइस, इस रोड को कहते हैं माल रोड। और ये है डलहौजी मेन बाज़ार, जो कि बहुत ही भीड़ भड़का है यहाँ पर। और यहाँ पे आगे गेमिंग जोन, यहाँ पे गेम खेल सकते हैं, ग्रेट गेम्स। टेढ़े लोड खिंचे के सीधे लोड दस जिधर आनी चंगी लगती आए हाय नज़ारा बंद तो इन्हों इन्ना के में टकाया बेटा टीकन वाला जो है नहीं दो दो ढक्कनदार में शबीन की खाऊगा की खाऊगा चार एक रैली तो सारी खा जू आइसक्रीम खाएगा केड़ी खाएगा चॉकलेट चॉकलेट ही खाऊंगा वनीला तुसी केड़ी खाओगे मैं चॉकलेट और दोस्तों अब हम जाने लगे हैं लेक पे, जिसका नाम है रंजीत लेक। ये पठानकोट से 25 किलोमीटर की दूरी पे है, जो दारकलां के नज़दीक पड़ती है, और इसे मिनी गोवा भी कहा जाता है। और ये बहुत ही अच्छी और सुंदर लेक है, इसे मिनी गोवा भी कहा जाता है।
दोस्तों यहाँ पे हम बोटिंग भी कर सकते हैं, जो हमें 3 किलोमीटर का राउंड लगवाती है इस लेक में। तो बहुत ही यार हमें अच्छा लगा यहाँ पे बोटिंग करके, तो हमें मज़ा आ गया। यहाँ पर व्यू भी बहुत अच्छा था, तो हमने फोटोज़ क्लिक करी। और दोस्तों यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए पूल, टॉय ट्रेन वगैरह सभी गेमिंग थी। और हमें तो यार बहुत अच्छा लगा यहाँ पर जाकर, क्योंकि अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो हमारे पैसे भी वर्थ हैं, तो और हमें इंजॉय भी हो जाएगा, मज़ा भी हो जाएगा। और आप देख ही सकते हैं यहाँ पे एडवेंचर करने के लिए बहुत अच्छा था। तो अब हम वापसी हमारे विलेज की ओर चलने लगे। तो कितने आ गए? तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं हमारे गांव में, बच्चों को चौ चढ़ गया फ्रेंड्स। तो दोस्तों हम फाइनली अपने घर पे पहुंच चुके हैं, और इधर राजू होरी भी अपना काम कर रहे हैं, मक्की के बोरे को सिलाई कर रहे हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा आज का व्लॉग? कृपया आप लाइक कमेंट करके दस दें, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और एडवेंचर करने के लिए थैंक यू।